अच्छा, मैं थोड़ा सा ना इसका वेक्टर स्पेस जनरेट करने से पहले थोड़ा सा ना बैकग्राउंड बता दूं। देखें, एक आपके पास सेट होता है, ठीक है। सेट में आपके पास डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, नहीं होते? फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहता हूँ एक नेचुरल नंबर का सेट है, तो उसमें क्या क्या एलिमेंट्स होंगे? 1, 2, 3, so on, ठीक है ना। एक अगर इंटीजर्स हैं, ठीक है, तो उसमें किस टाइप के नंबर होंगे? 0, ±1, ±2, इस तरीके से, ठीक है। या अगर मैं कहता हूँ कि कोई और प्राइम नंबर ले लो, ठीक है ना। प्राइम नंबर में क्या होगा? सेल डिवाइजर कौन से बनते हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, ठीक होगी बात। अब एक हमने एक ऐसा सेट तलाश करना है, ठीक है ना। जनरलाइज वेक्टर स्पेस के लिए क्या होगा? हमने एक ऐसा सेट फाइंड आउट करना है जो 10 कंडीशंस फुलफिल करे। वो 10 कंडीशंस में मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अच्छा, उसमें फॉर एग्जाम्पल, चले मैं एक ना ऐसा सेट बनाता हूँ। ये भी तो एक सेट ही है ना, इसको जैसे सेट कहा होगा, ये भी एक सेट ही है जो फिगर में बताइए, ठीक है। ये कैपिटल वी का सेट है। किस चीज का सेट है? कैपिटल वी का। इसमें किस टाइप के एलिमेंट आ रहे हैं? U1 भी आ रहा है, U2 भी आ रहा है, U3 भी आ रहा है, एंड सो ऑन। नेगेटिव U1 भी आ रहा है, नेगेटिव U2 भी आ रहा है, ठीक है। फिर इनके साथ U1+U2 भी आ रहा है, U1+U3 भी आ रहा है उस सेट में। फिर U1+U2+U3 भी आ रहा है, U2+U4 भी आ रहा है, फिर U1+, ऐसे चलते जा रहे हैं, U1+U2+U3 भी उसके अंदर लाई कर रहा है। फिर उसके अंदर 0 एलिमेंट भी आ रहा है। फिर उसके अंदर अल्फा, अल्फा इज एनी कांस्टेंट, ठीक है ना। अल्फा टाइम ऑफ U1 भी आ रहा है, अल्फा टाइम ऑफ U2 भी आ रहा है, एंड सो ऑन। अल्फा बिलोंग्स टू, यहाँ पे मैं अल्फा कहता हूँ, ये क्या है? ये कोई भी रियल नंबर, ठीक है, ठीक है। ये सारी चीजें उसके अंदर आ रही, ठीक है। और अल्फा टाइम ऑफ U1+U2 भी आ रहा है। फिर अल्फा प्लस बीटा, बीटा भी एक कांस्टेंट है, अल्फा भी और बीटा भी एक कांस्टेंट, टाइम U1 भी आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा टाइम ऑफ U2 भी आ रहा है इसमें, ठीक है। ये सारे एलिमेंट उसके अंदर आ रहे, ठीक है। अगर ये सारे एलिमेंट इस सेट के अंदर लाई करते हैं, इस नेचर के, वो नेचर मैं आपको बता दूंगा, वो नेचर क्या है, वो 10 कंडीशन है, 10 एक्सियम्स है, ठीक है। अगर वो सारे एलिमेंट, ये वाले, ये सारे एलिमेंट इसके अंदर लाई कर रहे हैं, इस वी सेट के अंदर, ठीक है, और वो 10 एक्सियम फुलफिल करें, 10 एक्सियम बता दें, तो वी क्या बन जाएगा? वी को हम कहेंगे, देन वी इज कॉल्ड जर्नल वेक्टर स्पेस। देखिए, जो स्पेस की जब हम बात करते हैं, तो स्पेस में आपके पास हर नेचर की चीज आ जाती है, उसमें एडिशन ऑफ वेक्टर्स भी आ जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इस अर्थ को, और एक आप जो एक और आप ले लें, प्लेनेट ले लें, ठीक है, चले प्लूटो को ले लें, ठीक है। आप तो अर्थ प्लस कोई कोई भी और ले लें, ठीक है, या मरीख को ले लें, ठीक है। तो इन दोनों को जब आप ऐड करते हैं, तो एक और नई नई नेचर की एक अर्थ, एक क्या नाम है, प्लेनेट बन जाता है, ठीक है। और इन दोनों का सम, इन दोनों का फॉर एग्जाम्पल, इसका रेडियस और इसके डायमीटर, और इसके डायमीटर का सम करें, तो इसके डायमीटर के इक्वल आएगा, ठीक है। या इस यूनिवर्स में ऐसी बहुत सी ऐसे क्या नाम है, प्लेनेट्स हैं, ठीक है, जो एक दूसरे का मल्टीपल है, 2 टाइम है, 3 टाइम है, हाफ ऑफ द टाइम है, 0.1 टाइम है, ठीक है, डिफरेंट मल्टीपल ऑफ टाइम, ठीक है। तो वो कंडीशन भी उसके अंदर लाइक कर दी, ठीक है। तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, ये दो रूल अगर फुलफिल कर लेता है, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा? वो जनरलाइज वेक्टर स्पेस बन जाएगा। वेक्टर स्पेस, ये सबसे बड़ी स्पेस होती है, ठीक है, मैथमेटिक्स में ये सबसे बड़ी स्पेस बन जाती है, जनरलाइज वेक्टर स्पेस, ठीक है। तो अब देखें आगे चल के कि वो 10 एक्सियम्स कौन कौन से। जी बच्चों, किसने कोई पूछना था सवाल? अच्छा, चलो,
तो हम क्या कहते हैं, देखें अब मैं इसको मैथमेटिकल फॉर्म देता हूं, लेट वी बी एन आर्बिट्रेरी सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, जैसे इस वी के अंदर हमने सेट ऑफ आर्बिट्रेरी ऑब्जेक्ट्स आगे, ठीक है, अच्छा आर्बिट्री सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन विच टू ऑपरेशंस आर डिफाइंड। कौन कौन से दो ऑपरेशंस हैं, एक तो एडिशन है एंड दूसरा क्या है, स्केलर। स्केलर पे यहां पे क्या कहेंगे, रियल नंबर, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अच्छा तो V के अंदर ऐसे एलिमेंट है, जैसे ये मैंने पहले एलिमेंट बताए, V के अंदर ऐसे एलिमेंट हैं जो क्या कर रहे हैं, दो जिनके ऊपर दो ऑपरेशन डिफाइन हो, एक कौन सा है एडिशन का और दूसरा कौन सा है स्केलर मल्टीप्लिकेशन का। चार प्रॉपर्टीज एडिशन की और चार प्रॉपर्टीज आपके, सॉरी पांच प्रॉपर्टीज एडिशन की और पांच प्रॉपर्टीज आपके पास मल्टीप्लिकेशन की है, लेकिन वो स्केलर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे अब एडिशन का क्या मतलब है, बाय एडिशन वी मीन दैट अ रियल, वी मीन दैट अ रूल for associating with each pair of object U and V in capital V। ये जो U और V जो उनसे आ रहा है ये किसके अंदर आ रहा है, U भी उस सेट के अंदर आ रहा है और V भी सेट के अंदर है। इन दोनों की एसोसिएशन, एसोसिएशन क्या होगी, इनकी एडिशन में सम कर रहे हैं या इनको सब्ट्रैक्ट कर, ठीक है। एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव वेक्टर भी हो सकता है, एक पॉजिटिव दूसरा पॉजिटिव वेक्टर भी हो सकता है, ठीक है। एडिशन का मतलब है वो एड भी हो सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं, ठीक है। बाय एडिशन वी मीन दैट अ रूल फॉर एसोसिएटिंग विद ईच पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट यू एंड वी। पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट तो कह रहे हैं यू एंड वी, किसके अंदर वो लाई कर रहे हैं, कैपिटल वी, ये कैपिटल वी सेट के अंदर लाई कर, ठीक है। एंड एलिमेंट इसका, इनकी एडिशन क्या आएगी, U प्लस वी, इसको हम क्या कहेंगे, कॉल्ड द सम ऑफ U एंड V, ठीक है। ये तो हमारे पास एडिशन होगी, ठीक है। कैसे ऐड करेंगे, U अगर U और V इस वेक्टर स्पेस में लाई करें तो U प्लस वी ये भी इसी में लाई करने चाहिए, ठीक है। ये इसमें लाई कर रहे हैं, ये इसमें लाई कर रहे हैं, देन इनकी एडिशन या इनकी सब्ट्रैक्शन भी इसके अंदर लाई करनी चाहिए, ठीक है। ये दो की बात की है, तीन हो तब भी यही केस होगा, चार हो तब भी यही केस होगा, ठीक है। कोई से भी तीन वेक्टर इस स्पेस में से उठाएं, उनको ऐड करें तो वो दोबारा उस स्पेस के अंदर लाई करना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा न, अब दूसरा जो केस था, एंड बाय स्केलर मल्टीप्लिकेशन We mean a rule for associating with each scalar, उस scalar को हम क्या नाम देते हैं, alpha, ठीक है ना, real number।
एंड ईच ऑब्जेक्ट यू इन कैपिटल वी, ठीक है, एंड एलिमेंट अल्फा टाइम ऑफ यू कॉल्ड द स्केलर मल्टीपल, ठीक है, ऑफ यू बाय अल्फा, ठीक है। तो ये एसोसिएशन समझ समझ आ गई आपको। एक तो एडिशन की एसोसिएशन है, ठीक है, वो डिफरेंट वे से आप एसोसिएट करेगा। एक तो यू सिंपल यू प्लस वी है ना, बाकी भी वो मैं आपको बता दूंगा। और दूसरा क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी, अल्फा कोई भी रियल नंबर होगा, ठीक है, अल्फा कोई भी रियल नंबर है, तो अल्फा टाइम ऑफ यू भी इस सेट के अंदर आना चाहिए दोबारा, ठीक है। कोई भी अल्फा टाइम ऑफ वी करें वो भी सेट, अल्फा टाइम ऑफ डब्ल्यू करें वो भी सेट के अंदर आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे फिर क्या चीज क्लियर होगी हमें, हम क्या कह सकते हैं कि if the following axioms are satisfied by all objects u, v and w in capital V and all scalar alpha and beta, then we call capital V a vector space ठीक है and we call the objects in V R vectors, ठीक है। तो कौन कौन से 10 एक्सियम्स हैं? नंबर वन एडिशन का पहला एक्सियम, पहला एक्सियम क्या है, अगर इफ U and V, ये स्मॉल V है, ठीक है, स्मॉल V को मैं यूं लिखता हूँ, ये कैपिटल V को बिलोंग कर रहे हैं, देन इनकी एडिशन भी किसको बिलोंग करनी चाहिए, कैपिटल V को। दूसरी कंडीशन, U प्लस V करें एंड V प्लस U करें, ये दोनों आपस में इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ये सिर्फ दो के लिए नहीं है, सिर्फ इन दो वेक्टर्स के लिए नहीं है, तमाम फॉर ऑल, ये साइन किसका है, फॉर ऑल का, दिस इज फॉर ऑल, फॉर ऑल यू एंड वी बिलोंग्स टू कैपिटल वी, ये प्रॉपर्टी किसके लिए होल्ड करती है, तमाम वेक्टर्स जो कैपिटल वी में आ रहे हैं, यू प्लस वी इज इक्वल टू वी प्लस, ये कंडीशन भी फुल, फॉर ऑल यू एंड वी बिलोंग्स टू कैपिटल वी। थर्ड जो कंडीशन है इसकी वो है U plus V plus W should be equal to U plus V plus W for all U V W belongs to capital V, ठीक है। फोर्थ में क्या है इसमें, there is an object O belongs to capital V such that O का मतलब है null vector, O plus U vector करें या U plus O vector करें, आंसर क्या आना चाहिए, U vector ही आना चाहिए, ठीक है, for all U belongs to capital V के लिए, ठीक है।
और फिफ्थ जो इसकी प्रॉपर्टी है वो क्या है, फॉर ईच यू बिलोंग्स टू कैपिटल वी देयर एग्जिस्ट माइनस यू बिलोंग्स टू कैपिटल वी, कैपिटल वी है ये, ठीक है, सच दैट सर थोड़ा पेज ओपन कर, यू प्लस माइनस यू या माइनस यू प्लस यू, ये क्या आना चाहिए, नल वेक्टर बनना चाहिए, ठीक है नहीं, ठीक है। और फॉर ईच यू मतलब जितने भी यू में एलिमेंट, जितने भी वी में एलिमेंट आ रहे हैं, बेशक वो यू आ रहा है वी आ रहा है, हर एक का एडिटिव इनवर्स होना चाहिए, ठीक है। इन अदर वर्ड्स हम क्या कह सकते हैं, हर एक वेक्टर का एडिटिव इनवर्स होना चाहिए, हर वेक्टर क्या होना चाहिए, मतलब दो वेक्टर अगर एसोसिएटिव है तो ये सिर्फ इन दो वेक्टर्स के लिए नहीं है, जो भी दो वेक्टर आ रहे हैं वो सारे के सारे एसोसिएटिव होने चाहिए। ये क्या है कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव में क्या है, कोई से भी दो वेक्टर, फॉर ऑल लिखा हुआ है, फॉर ऑल, कोई से भी दो वेक्टर उठाएं उनको ऐड करें तो जो नया वेक्टर बनता है वो भी उस कैपिटल वी के अंदर आना चाहिए, ठीक है। और एडिटिव आइडेंटिटी भी उस वेक्टर के अंदर आना चाहिए। मैंने यही नहीं बताया था शुरू में, जब मैंने एक वेक्टर लिखा था तो मैंने यही लिखा था, ठीक है, उसके अंदर यू भी आ रहा हो माइनस यू, उसमें यू वन आ रहा है तो माइनस यू वन भी आना चाहिए, यू टू आ रहा है तो माइनस यू टू भी आ रहा आना चाहिए। अच्छा, इन दोनों को ऐड करें तो उसका आंसर क्या आता है, जीरो, तो जीरो भी उस वेक्टर में होना चाहिए, ठीक है। यू वन और यू टू को ऐड करें, ठीक है, यू वन और यू टू को ऐड करें तो नया रिजल्टेंट वेक्टर भी उसके अंदर होना चाहिए, यू वन और यू थ्री को ऐड करें तो उसका एडिशन भी होना चाहिए और उसी के से रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। ये तो एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज थी, मेरी बात समझ आ गई है नहीं। अब हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज होंगी जो मल्टीप्लिकेशन वाली, तो ये सारी की सारी, ये जो 10 5 एक्सियम्स थे ये किसके थे, एडिशन के, ठीक है। और यहां पे मैं एक नोट लिख लेता हूं, नोट द प्रॉपर्टीज A1 से लेके तो A5 तक इंप्लाई दैट V is an abelian group, ये abelian आप लोगों ने group theory में अगर FSC में पढ़ी है तो उससे link कर रहा है, ठीक है। या हम क्या कह सकते हैं, commutative group under addition, ठीक है, तो ये नोट आप याद रखिएगा। अब हम बाकी की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन की। M1 पहला जो रूल है, इफ अल्फा बिलोंग्स टू रियल नंबर और स्मॉल v बिलोंग्स टू कैपिटल v, ठीक है, तो अल्फा टाइम ऑफ v, यू कर लो बेशक, अल्फा टाइम ऑफ यू वेक्टर ये भी किसको बिलोंग करना चाहिए, फॉर ऑल किसके लिए, यू बिलोंग्स टू कैपिटल वी, ठीक है। अगर अल्फा कोई भी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर सोचे फॉर एग्जांपल 0.5 और यू कोई भी वेक्टर है कैपिटल वी के अंदर, ठीक है ना, वी सेट ऑफ वेक्टर्स, तो अल्फा टाइम ऑफ यू क्या होना चाहिए, अल्फा टाइम ऑफ यू क्या होना चाहिए, जो रिजल्टेंट वेक्टर आता है वो भी उसी स्पेस के अंदर आना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे बताया था कि अगर यू वेक्टर, यू वन वेक्टर यहाँ पे लाई कर रहा है तो अल्फा टाइम ऑफ यू वन भी इसके अंदर लाई करना चाहिए, यू टू इसके अंदर लाई कर रहा है तो अल्फा टाइम ऑफ यू टू भी आना चाहिए, ठीक है। 0.0 मतलब ये कह लो कि 0.1 टाइम ऑफ यू भी उसमें आना चाहिए, 0.2 टाइम ऑफ यू भी उसमें होना चाहिए, 0.0005 टाइम ऑफ यू वन भी उसके अंदर होना चाहिए, ठीक है। हर एक का मल्टीपल, अब ये देख लो कितनी बड़ी स्पेस बन जाएगी, ठीक है। फिर 1 टाइम ऑफ यू वन भी होना चाहिए, 1.1 टाइम ऑफ यू वन भी होना चाहिए, ठीक है। ये तो यू वन के साथ थे, अब फिर यू टू के साथ भी ये सारे के सारे होने चाहिए, यू थ्री के साथ भी होना चाहिए, यू वन प्लस यू टू के साथ भी ये सारे के सारे मल्टीप्लाई होने चाहिए, ठीक है। फिर 0.1 टाइम ऑफ यू वन प्लस यू थ्री के साथ भी ये मल्टीप्लाई,
तो इस वजह से ये स्पेस बनती है, क्योंकि ये बहुत बड़ा सेट बनता है। अच्छा, दूसरी कंडीशन एम टू, अल्फा टाइम ऑफ यू प्लस वी शुड बी इक्वल टू अल्फा टाइम ऑफ यू प्लस अल्फा टाइम ऑफ वी फॉर ऑल यू एंड वी बिलोंग्स टू कैपिटल। ये बात याद रखना है, अल्फा यहाँ पे कोई भी रियल। एम थ्री में क्या कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा कोई से भी दो रियल नंबर है, अगर वो यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो अल्फा टाइम ऑफ यू प्लस बीटा टाइम ऑफ यू बन जाएगा फॉर ऑल यू बिलोंग्स टू कैपिटल वी के। ठीक है नहीं? और फोर्थ कंडीशन इसकी क्या है, अल्फा टाइम बीटा टाइम ऑफ यू शुड बी इक्वल टू अल्फा टाइम ऑफ बीटा टाइम ऑफ यू फॉर ऑल यू बिलोंग्स टू कैपिटल। अल्फा और बीटा यहाँ पे रियल नंबर। और फिफ्थ जो कंडीशन है इसकी कि वन टाइम ऑफ यू करें तो वो दोबारा यू ही बनना चाहिए, वन का होना भी लाजमी। ठीक है ना, वन का होना भी लाजमी क्योंकि ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बन जाता है। ठीक है, फॉर ऑल यू बिलोंग्स टू कैपिटल वी। ठीक है, तो ये सारी की सारी कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। अगर ये सारी कंडीशन फुलफिल हो जाती हैं, इफ ऑल द एक्सियम्स ए वन से ए फाइव तक एंड एम वन से एम फाइव तक होल्ड, देन वी इज कॉल्ड वेक्टर स्पेस ओवर आर। ठीक है ना, क्योंकि वी और आर का रिलेशन बनाया था, वी वेक्टर थी और आर क्या थी, फील्ड थी, इस फील्ड के ऊपर ये वेक्टर स्पेस जनरेट कर रही। हम इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ चीजों का पता होना चाहिए, उसमें वन डायमेंशन, टू डायमेंशन, थ्री डायमेंशन स्पेसेस का पता होना चाहिए, पॉलीनोमियल्स का पता होना चाहिए। देख लेता हूँ आपके पास क्या। अच्छा चले, कुछ एग्जांपल करने से पहले आपको वन डी का क्या मतलब होता है, इसमें जो ऑर्डर पेयर आ रहे होते हैं वो एक नंबर आ रहा होता है, इज अ नंबर। ठीक है ना, ओनली अ नंबर कह ले, ओनली अ नंबर। ठीक है ना, दिस कॉल वन डी। टू डी में क्या होगा, ऑर्डर पेयर होगा। ऑर्डर कैसे होगा, दैट इज ये एक्स हो सकता है और वाई हो सकता है, इसमें क्या होगा एक्स वाई हो सकता है। ठीक है, या फिर क्या हो सकता है, वाई जेड हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, एक्स जी हो सकता है। ठीक है, ये सारे के सारे प्लान बनाते हैं। थ्री डी में क्या होगा आपके पास, और इसको हम कह सकते हैं कि एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, इसमें क्या कहेंगे एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू आर स्क्वेयर। आर स्क्वेयर का मतलब है टू डी, टू डायमेंशन स्पेस है। ठीक है, अच्छा फिर क्यूब, क्यूब में क्या बनेगा एक्स वाई एंड जी, या हम कह सकते हैं एक्स वन वाई वन जेड वन, एक्स टू वाई टू जेड। ठीक है,
तो ये जो बिलोंग कर रहा है ये किसको बिलोंग कर रहा है, थ्री डायमेंशनल स्पेस को। सिमिलरली आपके पास फोर डायमेंशन भी होती है, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर, ठीक है, ये फोर डायमेंशनल स्पेस है एंड सो ऑन एंड एनथ एंड डायमेंशन स्पेस, वो क्या बनेगी एक्स वन एक्स टू सो ऑन एक्स एन, ये बिलोंग टू आर एन, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एन डायमेंशनल स्पेस। और इसी तरीके से मैं कहता हूं कि पॉलिनोमियल्स की बात करते हैं, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं आपके पास, ए एक्स प्लस बी, दिस इज पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री वन, क्योंकि एक्स की मैक्सिमम डिग्री क्या आ रही है वन, ये क्या होगा पी टू ऑफ एक्स, पॉलिनोमियल दिस इज कॉल्ड पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल टू वन, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री लेस देन आर इक्वल टू टू, ठीक है, इस तरीके से अगर हम इसको चलाते जाएं तो p3 ऑफ x क्या बनेगा आपके पास, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, वैसे इसको लीनियर इक्वेशन भी कहा जाता है, ठीक है ना, लीनियर इक्वेशन, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहते हैं, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं क्यूबिक इक्वेशन भी कहते हैं, ठीक है, और इसको ये पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन बन जाएगा और एंड सो ऑन पी एन ऑफ एक्स क्या बन जाता है ए एक्स स्क्वायर एन बी या ए नॉट कर लें, इसको ए वन कर लें, एन माइनस वन ए टू ऑफ एक्स एन माइनस टू सो ऑन ए एन एक्स स्क्वायर एन माइनस वन टू पावर वन ए एन एक्स स्क्वायर जीरो, ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री लेस देन आर इक्वल टू एन, ठीक है, इस तरीके से चलता है, तो इन पॉलिनोमियल्स का पता होना चाहिए आपको, फिर आपको किस चीज का पता होना चाहिए, वन डायमेंशन टू डायमेंशन स्पेस का पता होना चाहिए आपको, ठीक है, अच्छा इसके अलावा मैट्रिसेस में अगर देखा जाए एम टू बाय टू क्या मतलब है इसका, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर टू बाय टू, एम थ्री बाय थ्री, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर थ्री बाय थ्री, एन बाय एन, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन बाय एन, इसका भी पता होना चाहिए आप, ठीक है, तो ये सारी चीजें आप, हाँ जी बच्चों कोई चीज पूछनी है किसी ने, अच्छा चले एग्जाम्पल नंबर बात करते हैं, क्या कह रहे हैं एग्जाम्पल नंबर वन, द सेट आर एन, आर एन का सेट मैंने बताया था आपको क्या होते हैं, आर एन एन डायमेंशनल स्पेस एक्स वन एक्स टू सो ऑन एक्स एन, ये एन डायमेंशन, सही दैट ये जितने भी एक्स वन एक्स टू ये सारे सारे किसको बिलोंग कर रहे हैं, ये रियल नंबर को बिलोंग कर, आर एन का मतलब है ये एन डायमेंशनल स्पेस है, ठीक है ना, ये इसके साथ इंटरलिंक है, ये इसकी नोटेशन है, ठीक है, अगर यहाँ पे तीन होते तो आर थ्री होता, फाइव होते तो यहाँ पे आर फाइव होता, एन है तो आर, और एक्स आई यहाँ पे क्या शो कर रहा है, ईच एक्स आई, ये एलिमेंट ये एलिमेंट ये एलिमेंट ये सारे के सारे रियल नंबर है, ठीक है, कोई और नंबर नहीं है बल्कि रियल नंबर है, ठीक है, इज अ वेक्टर स्पेस ओवर
are with standard operation. स्टैंडर्ड ऑपरेशन कौन सा होता है? स्टैंडर्ड ऑपरेशन कौन बताएगा बच्चों? स्टैंडर्ड ऑपरेशन क्या होता है? कोई है अवेलेबल यहां पे या सारे चले गए? अमार इधर ही हो? अब्दुलरहमान अब तुम लोगों के साथ साथ मैं एब्सेंटिया भी लगाया करूंगा अगर नहीं जवाब दो। तो स्टैंडर्ड ऑपरेशन का मतलब है कि दो चीजों का सम कैसे करते हैं आप, एडिशन कैसे करते हैं दो जो दो चीजों की सिंपल जिस वे में, जैसे 2 + 5 दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड। 2 + 5 क्या आना चाहिए? 7 ही आना चाहिए, ये स्टैंडर्ड ऑपरेशन। या 2 × 5 क्या आना चाहिए? 10। दिस इज कॉल्ड, ये स्टैंडर्ड है। लेकिन अगर मैं ये कहता हूँ कि जब तुम दो वैक्टर्स का सम करता हूँ यू प्लस वी, उसकी आउटपुट क्या आनी चाहिए? उसकी आउटपुट आनी चाहिए यू मल्टीप्लाई बाय वी की फॉर्म। दिस इज, ये जो था स्टैंडर्ड था, ये नॉन स्टैंडर्ड है। ये मैंने खुद से डिफाइन किया है, ये स्टैंडर्ड मैंने खुद डिफाइन किया है। तो एक स्टैंडर्ड होता है जो जनरलाइज होता है, ठीक है, वो पूरी हर एक के लिए मैथमेटिक्स एक जैसा ही। एक नॉन स्टैंडर्ड वो होगा जो मैं खुद से डिफाइन करूंगा एडिशन, एक नया किस्म का एडिशन डिफाइन करूंगा। दिस इज कॉल्ड नॉन स्टैंडर्ड, ठीक है, और दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड एडिशन, ठीक है। तो हमने ये प्रूव करना है कि एन डायमेंशनल जो आपके पास सेट ऑफ वेक्टर्स हैं, वो क्या बनाते हैं? वेक्टर स्पेस बनाते हैं ओवर आर के। ओवर आर का यहाँ पे क्या मतलब है? जो आप मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज लेती हैं।